साहिबा तू तूने बताया नहीं तू आने वाली है। अब अपने घर पर आने के लिए भी बताना पड़ेगा। नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। तू बैठ मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। मैं यहाँ चाय पीने या गप्पे मारने नहीं आई। मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अरे बस 2 मिनट लगेंगे चाय बनाने में। और तू टेंशन ना ले, डर मत, चाय बनानी आती है मुझे। और थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन हुई ना तो नेट है ना, नेट से सीख लूंगी। इधर आ, बैठ पहले। मैं खुश हूं कि तेरे चेहरे पर फिर से स्माइल देखने को मिल रही है, लेकिन मैंने और खुश होना था अगर ये स्माइल असली होती। मैंने तुझसे बार बार पूछा था ना कि वो लड़का कौन है जिसके साथ तू भागी थी, तो फिर तूने मुझे अब तक बताया क्यों नहीं? देख मैंने पहले तुझसे ज्यादा प्रेशर डालकर नहीं पूछा क्योंकि तेरी हालत ठीक नहीं थी, पर अब तो तू मुझे बता सकती है ना कि वो कौन था जिसने बहकाया था तुझे। छोड़ ना साहिबा, हम मिट्टी डाल पुरानी बातों पे। ठीक है, मैं भूल जाती हूँ कि तेरी कभी जिंदगी में कोई ऐसा लड़का था भी। आज के बाद इस बारे में मैं तुझसे कभी भी कुछ नहीं पूछूंगी, ओके? हाँ यही ठीक रहेगा। तो फिर तू भी उस लड़के को भूल जा। हाँ तो मैं कोशिश कर रही हूँ ना। अच्छा, उससे बात करके? ये तेरी कोशिश? मैं कहा? बस अब और झूठ मत बोल। साहिबा तुझे कुछ गलत फहमी हो रही है, और मैं किससे बात कर रही हूँ? गैरी से। मैं गैरी से बात क्यों करूंगी? हाँ नहीं तो मैं यहाँ तुझसे बहस करने नहीं आई हूँ, सच जानने आई हूँ, पूरा सच। बता गैरी है ना वो लड़का जिसके साथ तू भागी थी? गैरी? क्या कह रही है तू? और मैं गैरी के साथ क्यों भागूंगी? हाँ नहीं तो मेरा शक सही था। साहिबा को गैरी के बारे में कुछ तो पता है। हेलो सीरत, सबसे पहले तो थैंक यू, तुमने अपनी जुबान रखी, मेरा नाम नहीं लिया। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन ये वॉइस मैसेज क्या था? सारी बात हो जाने के बाद खत्म करते ना सब कुछ। तुम्हें पैसे वैसे चाहिए? मैं भिजवा दूंगा, मैं खुद देने आ जाऊंगा। लेकिन मेरा पीछा पीछा छोड़ो यार, तुम समझ रही हो ना? ऐसे सबसे दूर आकर किससे बात कर रही है? स्मार्ट गर्ल, आई नो तुम्हारी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम चल रही है, मेरी भी लाइफ में चल रही है। तुम अपने इश्यूज हैंडल करो, अपने करता हूं। और हाँ ये आगे से कॉल या मैसेजेस मत करना। क्या? गुड लक फॉर योर फ्यूचर। गुड बाय। दी सच पर जितने मर्जी पर्दे डाल दो, वो खुद को बेपर्दा कर कर ही मानता है। तू मुझे कुछ बताए या ना बताए, धीरे धीरे मुझे सब पता चल ही जाएगा। जैसे मुझे ये पता चल गया कि तू हमें सच क्यों नहीं बता रही। सब कुछ मेरे सामने, फिर भी तू चुप है। ये सब तू क्या कह रही है साहिबा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रहा है या तो समझना ही नहीं चाहती। मेरा साथ दे या ना दे,
उस लड़के को तो मैं उसके किए की सजा दिलवा कर रहूंगी। गैरी का फोन आया था। पापा जी, मैं कब से गैरी के फोन का वेट कर रही थी, इसे भी अभी फोन करना था। एक मिनट बात हुई है, इसका मतलब साहिबा ने गैरी से बात की। ऐसा क्या कहा होगा गैरी ने जो साहिबा ने सुन लिया। लेकिन मैंने तो आते ही मुझसे गैरी के बारे में पूछा था, मतलब साहिबा पहले से ही गैरी के बारे में जानती थी। कहीं साहिबा ने गैरी से बात कर ली तो। तेरी मेरी डोरियां सोमवार से रविवार शाम 7 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।